नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं बिग मान टाइम्स। बल्ला की खूबसूरत तीखे नाक नक्श, ऊंचा कद और लंबे बस, जिन्हें देखकर आपको हॉलीवुड की अभिनेत्री ग्रेटा गार्वो की याद आ जाएगी। लेकिन अगर उनकी स्वभाव की बात करें तो बिल्कुल मृदुभाषी सी और मृदुभाषी थी। खास बात है कि उनके स्वभाव में कभी भी उनके जो स्टार्डम था उसका असर देखने को नहीं मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रिया राजवंश। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रिया राजवंश का जो था फिल्मी सफर कैसा था और किस तरह उन्होंने अपने फिल्मों में काम के बदौलत अपना नाम बनाया था। तो इस वीडियो में पूरे उनकी जीवनी के बारे में आपको बताएंगे और खास ही किस तरह उन्होंने फिल्मों में काम किया और किस तरह अपनी पहचान बनाई उसको भी दिखाएंगे। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। प्रिया राजवंश का जन्म शिमला में हुआ था। उनके बचपन का नाम वीरा था। उनके पिता सुंदर सिंह वन विभाग के कंसर्वेटर के पद पर सेवारत थे। उन्होंने अपनी स्कूली तथा कॉलेज की शिक्षा शिमला में ही पूरी की। प्रिया राजवंश ने शिमला से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान कई अंग्रेजी नाटकों में हिस्सा लिया। नाटकों में काम करने वाली प्रिया ने कभी अभिनेत्री बनने का सोचा होगा। सपना खुद हकीकत में बदलने उनके पास चलकर आ गया। फिल्म हकीकत हिंदी सिनेमा की बहुप्रचारित पहली युद्ध फिल्म है। इस फिल्म निर्माण के दौरान प्रिया ने चेतन आनंद की हर स्तर पर मदद की। संवाद लेखन, पटकथा लेखन, निर्देशन, अभिनय और संपादन में उनकी दखल बनी रही। चेतन आनंद ने उन दिनों अपनी पत्नी उमा से तलाक लिया था। अकेले हम, अकेले तुम इस शहर में दोनों मिले और जिंदगी भर साथ रहने का मन बना लिया। कभी शादी का विचार आया नहीं क्योंकि जिंदगी की गाड़ी आखिरी वक्त तक सरपट दौड़ती रही। प्रिया उम्र में चेतन से 22 साल छोटी थी, लेकिन उम्र का यह अंतर भी उनके कभी आड़े नहीं आया। हकीकत के बाद प्रिया की दूसरी फिल्म 1970 में हीर रांझा आई। इस फिल्म में संवाद गद्य के बजाय पद्य में बोले गए थे। इस लिरिकल फिल्म के गीत संवाद कैफी आजमी ने लिखे थे और उस समय के सुपरस्टार हैसियत वाले राजकुमार इसके नायक थे। फिल्म को भारी सफलता मिली। चेतन ने यह फिल्म प्रिया को केंद्र में रखकर बनाई थी। उनकी प्रत्येक फिल्म की नायिका हमेशा प्रिया ही बनी रही। इस तरह वह चेतन की हीर साबित हुई। ऐसा नहीं हुआ कि प्रिया को बाहरी निर्माताओं के ऑफर नहीं मिले। उन्होंने चेतन के अलावा किसी और के निर्देशन में काम करना उचित नहीं समझा। प्रिया की फिल्मोग्राफी बहुत छोटी है। हकीकत और हीर रांझा के अलावा हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरें हैं। प्रिया का फिल्मी सफर 1964 में शुरू हुआ और 22 साल बाद 1986 में उस पर पूर्ण विराम लग गया।
अपने सौंदर्य और व्यवहार की बदौलत प्रिया फिल्मी दुनिया में लोकप्रिय बनी रही। पहले वह चेतन साथ साथ एक ही घर में रहते थे, बाद में उन्होंने अपना बंगला अलग बनवा लिया। दिन में दो बार वह चेतन से मिलने जाया करती थी, दोपहर में लंच और रात में ड्रिंक्स के साथ डिनर। चेतन की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा प्रिया को भी मिला। सत्ताईस मार्च 2000 को चेतन के जुहू स्थित बंगले में प्रिया की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप चेतन आनंद के दो बेटों केतन विवेक और उनके कर्मचारियों माला चौधरी व अशोक पर लगाया गया। इसके बाद साल 2002 में चारों को उम्र कैद की सजा दी गई। इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ चारों की जमानत याचिका को मुंबई हाईकोर्ट ने 2011 में स्वीकार कर लिया, लेकिन अब तक उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। अभी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रिया राजवंश के पूरे फिल्मी सफर के बारे में बताया। इसी तरह की और जानकारियां लेकर हम आपके साथ आगे भी आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिलमान टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे इसी तरह की जानकारी लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।